सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक कलरव की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है जया जगत और जुगनू। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से इरम हैदरी जी ने भेजी है, जो BTC की स्टूडेंट है और काफ़ी होनहार स्टूडेंट है। इसके लिए इरम हैदरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई एक शिक्षण योजना से बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जानते हैं कक्षा एक कलरव की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है जया जगत और जुगनू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा एक कलरव की शिक्षण योजना के बारे में, जिसको इरम हैदरी जी ने बनाया है। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजनाएं बनाती हैं और मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराती हैं। दिनांक, विषय, कक्षा, समय 4 कॉलम बना लेंगे, दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे, विषय में कलरव, कक्षा एक और समय 35 से 40 मिनट। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में बच्चे परिवेशीय भाषा के सामान्य शब्दों से परिचित हैं, बच्चे वर्णों और शब्दों को उनकी सही लिखावट बनावट में लिखते हैं, बच्चे परिचय ध्वनियों और जंतुओं जैसे जंतुओं या पक्षियों की ध्वनियों से परिचित हैं। नेक्स्ट आता है प्रकरण या पाठ, आपका पाठ है जया जगत और जुगनू। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तक संबंधी चित्र, दीक्षा ऐप के प्रयोग हेतु मोबाइल और स्पीकर, ये आपको चाहिए सहायक सामग्री के रूप में। नेक्स्ट आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपके 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका आपका प्रश्नोत्तर होगा। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगी, बच्चों आपने रात में कभी किसी जीव जंतु की आवाज़ सुनी है? और क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या आपने रात में उड़ते हुए कीट पतंगों को देखा है? आप में से कितने बच्चों ने बल्ब की तरह चमकने वाले कीट को देखा है? यानी हम पाठ से बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसका नाम बता जानते हैं? इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, कुछ के जवाब बच्चे देंगे और कुछ के जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका शिक्षण के दौरान, इसमें आपकी 20 मिनट लगेंगी, आकलन का तरीका जिज्ञासा एवं बच्चों की सहभागिता होगा। शिक्षिका बच्चों को पाठ्य पुस्तक में आया जया जगत और जुगनू का पाठ खोलकर चित्र देखने को कहेंगे। सभी बच्चे चित्र देखते हुए कल्पना के आधार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बात करेंगे। शिक्षिका अब छात्रों को पाठ का आदर्श वाचन हाव भाव के साथ कराएंगी, दीक्षा ऐप पर वीडियो उनको जो उपलब्ध होगी उसको वे दिखाएंगे। उसके बाद शिक्षिका एक गतिविधि कराएंगी बच्चों को, शिक्षिका छात्रों को स्वरचित कविता का आदर्श वाचन हाव भाव के साथ कराएंगी, इसमें 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा अवलोकन। इन्होंने एक अपनी कविता बनाई है अपने आप, जिसका हाव भाव के साथ वाचन कराएंगी। जगमग जगमग जुगनू करता, बल्ब जैसा है वो जलता, रात में उसकी रोशनी से मिट जाता है अंधियारा। इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे, तो बच्चे इसमें प्रतिभागिता करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका शिक्षण के अंत में, 5 मिनट इसमें लगेंगी, आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा व सहभागिता। शिक्षिका बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगी, जैसे जया और जगत क्यों डरे, जया और जगत को किसके पैरों की आवाज़ सुनाई दी, इस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे। जया जगत को जगमग करता क्या दिखा, जुगनू ने उनकी कैसे मदद की, इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से करेंगे। तो आकलन का तरीका आपका जिज्ञासा और सहभागिता होगा। तो इस तरह से ये आपके 3 चरण पूरे हुए। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य में शिक्षिका बच्चों से उनकी पाठ्य पुस्तक में मौजूद जया जगत और जुगनू कहानी में से कुछ शब्दों को ढूंढने के लिए कहेंगी, जैसे झी झी, खटर पटर, धप धप आदि, इस तरह के शब्द को बच्चों को ढूंढने के लिए कहेंगे। उनको गोला लगाओ,
तो बच्चे गोला लगाने में इंटरेस्ट लेंगे और उसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आगामी शिक्षण योजना। शिक्षिका छात्रों के अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कॉलम आता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। इस कॉलम को आप तभी भरेंगे जब आप बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें वही आएगा कि आपने जो लर्निंग आउटकम लेके चले थे वो उसकी संप्राप्ति कितनी हुई कितनी नहीं हुई, शिक्षक का स्वयं आकलन क्या था। तो साथियों ये शिक्षण योजना थी कक्षा एक की, जिसको इरम हैदरी जी ने बनाया है, जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी होनहार स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई, इसके लिए इरम हैदरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई एक शिक्षण योजना से बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।